हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जेफ जी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोसेस देखेंगे, उसको कोड करेंगे, और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कहती है। गिवन ए स्ट्रिंग एस, चेक इफ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इन टू ए स्ट्रिंग दैट इज द रिपीटेशन ऑफ ए सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ के। हमें बताना है एक स्ट्रिंग एस गिवन होगी, बिल्कुल ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। हमें बताना है कि लेंथ के की कोई सब स्ट्रिंग की रिपीटेशन बना सकते हैं नहीं उसको हम, ठीक है। तो कन्वर्ट, वी विल सिलेक्ट टू सब स्ट्रिंग। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो सब स्ट्रिंग सिलेक्ट करेंगे लेंथ के की, ठीक है, जो इंडेक्स आई और जे से दोनों स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है, सच डैट आई एंड जे आर डिविजिबल बाय के, और जो आई और जे होगा वो डिविजिबल बाय होगा के। एंड वी विल रिप्लेस वन स्ट्रिंग विद द अदर, और हमें एक स्ट्रिंग को दूसरे से रिप्लेस कर देना है। इसका मतलब हमें सिंपल क्या करना है, एक स्ट्रिंग एस गिवन है, हमें उसमें से दो सब स्ट्रिंग चूज करनी है लेंथ के की। दोनों अलग अलग होनी चाहिए, दोनों का कोई भी पोर्शन सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हम किसी एक से दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, और वो रिप्लेस करने के बाद हमें बताना है क्या पूरी स्ट्रिंग को हम जिससे हमने रिप्लेस करा वो रिप्लेस करके कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं उसी में ही, ठीक है। जैसे अगर बात करें इसकी, ADAC, ये हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। K है दो, मतलब दो लेंथ के हमें स्ट्रिंग चूज करनी है, तो हम दो चूज करेंगे I और J पे। ये होगी हमारी ith वाली, I मेरा 0, दो लेंथ की हमने ले ली, ठीक है। फिर J मेरा दो ले लेते हैं, दो लेंथ की, मतलब BD और AC दो सब स्ट्रिंग हमने ले ली दो दो लेंथ की। क्या हम एक से दूसरे को रिप्लेस करके एक ही सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, एक टाइप की। अगर हम इसकी जगह AC प्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ACAC, मतलब वहाँ कर सकते हैं। अगर हम इसकी जगह BD प्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, BD BD, मतलब दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है, और इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा यस, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी ABCDE, ठीक है, अब क्या इसको दो लेंथ की सब स्ट्रिंग प्लेस कर करके हम रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, अभी दो से डिविजिबल ही नहीं है, तो रिप्लेस ही क्या करोगे, तो आंसर आया 0, ठीक है, मतलब नो। तो सिंपल सा क्या है, अगर डिविजिबल नहीं है एन के से तो डायरेक्ट 0 रिटर्न करते ना, वरना आगे ये कैलकुलेशन देखनी है, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, इसको व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, वहाँ पर समझेंगे। जैसे हम कह देते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है वो कुछ ABCD, ठीक है, इसमें आपको दो स्ट्रिंग चूज करनी है, दो सब स्ट्रिंग लेंथ के कह देते हैं 2 है मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। तो आप कहोगे चलो ठीक है यार, मैं चूज करूंगा AB एंड CD, ठीक है, आपने चूज की AB एंड CD, अब किसी से भी किसी को रिप्लेस कर दो। चलो हम कहते हैं हम CD को रिप्लेस करेंगे AB से, तो CD को हम रिप्लेस करेंगे भाई AB से, तो ये क्या बन जाएगा, AB 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 AB। अब रिप्लेस करने के बाद सारी स्ट्रिंग को आपने AB सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका आंसर आ गया क्या, यस, ठीक है, 1 आप रिटर्न कर दोगे। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ABCDEF, आपको क्या करना है, दो सब स्ट्रिंग चूज करनी है, ठीक है। इसके लिए भी K क्या है मेरे पास, 2 ही है, K 2 ही लेते हैं, सिंपल एग्जांपल अपना, दो सब स्ट्रिंग आपने मान लेते हैं, कहते हैं आप ऐसे नहीं चूज कर सकते। एक और बात सुनो, AB जैसे आपने मान लिया चूज करी, तो आप दूसरी BC नहीं चूज कर सकते, ठीक है, दोनों अलग अलग चूज होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर आई क्या है, 0, जो कि 0 2 से डिविजिबल है, फिर आप एक से दूसरी सब स्ट्रिंग चूज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा जी, ठीक है। तो दूसरी सब स्ट्रिंग आप क्या चूज करोगे, EF या CD में से कोई एक कर सकते हो, आप कहोगे मैंने EF करी, बिल्कुल ठीक है। अब एक से दूसरी को रिप्लेस करो, आपने कहा कि भाई मैं AB को EF से रिप्लेस करूंगा, EF CD फिर EF, ये बन गई। क्या ये सेम सारी EF में कन्वर्ट हुई, जी नहीं, आंसर आया नो। यहां से हमें क्या पता चलता है, जो दो सब स्ट्रिंग आपने चूज की, अगर पूरी स्ट्रिंग उन्हीं से ही मिलकर बनी है, जैसे कि यहाँ पर आपने AB और CD चूज किया था, AB CD उसी से ही मिलकर बनी थी, तो आप रिप्लेस करके एक ही में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर उनसे मिलकर नहीं बनी, जैसा कि AB और EF आपने चूज किया लेकिन CD तो अलग आ गया, आप इसको किससे रिप्लेस करो, किसी से भी नहीं, तो आप नहीं कर सकते, सिंपल सी बात यह है। इसका मतलब अगर आपकी जो सब स्ट्रिंग है वो लेंथ 2 की, जो जो आप चूज कर सकते हो, उनका टोटल काउंट डिफरेंट डिफरेंट वाला सब स्ट्रिंग, वो 2 हो या फिर 1 हो, एक कैसे होगा, अपने पास पहले से ही यदि हुई है, आप इन दोनों को चूज करोगे, रिप्लेस करो, वो पहले वैसी की वैसी रहेगी, एक ही टाइप की सब स्ट्रिंग आपके पास प्रेजेंट है, या 1 हो, ठीक है, मतलब लेस देन इक्वल टू 2 हो अगर, ठीक है, टोटल काउंट, तो आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, वरना आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। और एक आप कब कन्वर्ट नहीं कर सकते, जब आपका एन मोड
के नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एन डिविजिबल ना हो के से, बिल्कुल सिंपल सी ये बात, ठीक है। तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं, टाइम एंड स्पेस, ठीक है। इसको क्या करते हैं यहाँ पर लिख कर छोड़ देते हैं, पहले कोड करेंगे फिर आके इसको डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं अपना कोड की तरफ। तो जी सबसे पहले हमें क्या करना है, इफ़ एन परसेंट के इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिविजिबल नहीं है तो आर ई टी यू आर एन भाई, आर ई टी यू आर एन रिटर्न क्या करता हूँ भाई, जीरो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग का जो सब स्ट्रिंग हमारे पास प्रेजेंट है उनका काउंट निकालना है, ठीक है। के लेंथ की जो भी हमारे पास सब स्ट्रिंग अलग अलग इंडेक्स पे, जो मैंने आपको बताया था जो इंडेक्स के से डिविजिबल होगा उस उसी इंडेक्स पे प्रेजेंट है उनका काउंट निकालना है। तो काउंट निकालने के लिए हम अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग कॉमा इंट, ठीक है। स्ट्रिंग का हमें काउंट निकालना है, mm इसका नाम रख लेते हैं जैसे कि हम शुरू से रखते आते हैं, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस इक्वल टू के। अब देखो आई प्लस इक्वल टू के क्यू किया मैंने, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इंडेक्स मेरे पास क्या आएगा भाई, जीरो, इंडेक्स जीरो आया, जीरो से लेके एच डॉट एस यू बी एस टी आर, जीरो से लेके के लेंथ की सब स्ट्रिंग मैंने निकाल ली, जीरो डिविजिबल होगा के से, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कर दी प्लस प्लस, मतलब वो अभी फिलहाल एक बारी मेरे पास आ चुकी है। फिर मेरे पास आई क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू के। अब इसको आपको व्हाइट बोर्ड पर जो एग्जांपल लिखे थे उसी से ये बताता हूँ कि किस तरह से जो मेरा आई है वो चल रहा होगा, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले आई मेरा आया यहाँ पर, ठीक है। एक काम करते हैं इसको आगे लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, सबसे पहले ये आया मेरा यहाँ पर, मैंने क्या करा जीरो से लेके लेंथ दो की सब स्ट्रिंग उठा ली, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आई को मैं प्लस इक्वल टू के कर रहा हूँ, के मेरे पास क्या है दो, आई मेरे पास करंट क्या है जीरो, आई प्लस दो, जीरो प्लस दो दो होगा तो मेरा आई आ जाएगा यहाँ पर। फिर मैं क्या करूँगा के लेंथ की सब स्ट्रिंग, फिर दो प्लस करूँगा फिर आई आ जाएगा यहाँ पर, फिर के लेंथ की सब स्ट्रिंग, फिर आई आ जाएगा यहाँ पर, फिर के लेंथ की सब स्ट्रिंग, फिर आई जैसे ही बाहर आएगा फोर लूप अपने आप एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम सारी सब स्ट्रिंग उठा लेंगे, मतलब ये कोड मेरी सारी सब स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी मेरे को निकाल के दे देगा। उसके बाद मेरे को क्या करना है, अगर mm का साइज लेस देन इक्वल टू है दो तो ठीक है भाई, तो ठीक है, हम कर देंगे कन्वर्ट, वरना हम नहीं कर पाएंगे जी, ठीक है। अब इसको करते हैं रन, देखते हैं सही चल रहा है या नहीं, वैसे सही चलना चाहिए, हाँ जी सही चल रहा है। इसको करते हैं सबमिट, ये हो गया सबमिट गाइस। अब चलते हैं इसके जावा कोड की तरफ, ठीक है। जो कि मैंने लिखा हुआ है वही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिमिलर टाइप का ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको करते हैं फुल स्क्रीन पे ऑन। अब देखो सिमिलर कंडीशन, अगर नॉट यूजल है तो रिटर्न कर दो जीरो। उसके बाद अनऑर्डर मैप की जगह हमने बनाया हैश मैप स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का, ठीक है। उसमें क्या करा, जो हर एक सब स्ट्रिंग उठाई, अगर सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है उस मैप में तो उसकी एंट्री कर दी जीरो, ठीक है। फिर उस सब स्ट्रिंग की एंट्री क्या करी, जो भी उसकी एंट्री है, मान लीजिए वो पहली बार आ रही, अगर वो पहली बार आ रही तो पहले तो उसकी जगह पुट हो जाएगा जीरो, उसके बाद हो जाएगा जीरो प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वन, अगर वो पहली बार नहीं आ रही तो ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जितनी भी उसकी वैल्यू होगी ये उसको mm डॉट गेट वो करके दे देगा, मान लीजिए दो बार आ चुकी है वो, प्लस एक तीन बार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हमने चेक कर लिया साइज, अगर लेस देन इक्वल टू टू है तो रिटर्न वन वरना जीरो। अपना इसको भी एक बार रन करके और सबमिट करके देख लेते हैं जी, और फिर अभी इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करनी रहती है वो डिस्कस करेंगे, ये वैसे सबमिट हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ ये सबमिट हो चुका है। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, सिंगल फोर लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी कहाँ तक चलेगी, जीरो से लेकर एन तक। अब आपको हो गया आई प्लस प्लस वन, आई प्लस प्लस नहीं कर रहे हम, आई प्लस इक्वल टू के कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर सबस्ट्रिंग फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो अंदर का उसको ट्रैवर्स करके हमें सबस्ट्रिंग निकाल के दे दे रही है। तो मतलब हम इनडायरेक्टली करके रहे हैं, यहाँ पर देखो आप ए बी, ये हमें सबस्ट्रिंग से सी डी, फिर ए बी, फिर सी डी, दो की बार किसी को ट्रैवर्स नहीं कर रहे हम, सिर्फ अपना क्या कर रहे हैं भाई, सिंगल ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी क्या होगी, जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब हमने मैप यूज़ किया है, मैप में क्या हो क्या स्टोर कर रहे हैं हम, हो सकता है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ इस तरह की क्या कहते हैं अपने पास स्ट्रिंग गिवन हो, तो ए बी अलग से स्टोर होगा मैप में, सी डी अलग से, ई एफ अलग से, जी एच अलग से, तो इसका मतलब हो सकता है कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही हमारे पास मैप के अंदर स्टोर हो जाए अलग से, ठीक है। तो ओ फैन,
स्पेस, तो ये अपना हुआ टाइम और स्पेस। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।